गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ यूनिट टेक्नोलॉजी एंजल और डेविल। द नेम ऑफ द चैप्टर इज अ डिवाइस दैट इज चेंजिंग द वर्ल्ड। सो ओपन SR26। गाइस, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांट टू एक्सप्लेन द मीनिंग्स ऑफ सम डिफिकल्ट वर्ड्स विच आर नॉन एज वोकैबुलरी वर्ड्स। सो ओपन SR27। फर्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंटली, मीन्स लगातार। इन इंग्लिश इट इज नॉन एज रेगुलरली। मनु गोज टू प्ले क्रिकेट फ्रीक्वेंटली। The second word is researches, means shodh karna, study of different things to understand them better. Many researches show that eating too much oil leads to heart attack. The third word is relevant, means upyukt ya sambandhit, closely connected or related to what is being done. Ramesh's opinion was relevant to the topic. The fourth word is misuse, means durupyog, use something in the wrong way or for the wrong purpose. A knife can be misused to harm a person. The last word is wisely, means intelligently, doing something with thought after comparing pros and cons, means benefits and disadvantages. Choose what you want to study in college wisely. Now I am going to explain the chapter, so open SR26. The mobile phone is the most frequently used device in the world. Many researches show that people look at their mobile phones 50 to 60 times in a day. It may sound funny, but people in Japan use their phones even in the shower. मोबाइल फ़ोन दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिवाइस है। रिसर्च से ये पता चला है कि लोग दिन में 50 टू 60 बार अपना फ़ोन यूज़ करते हैं या देखते हैं। आपको ये फ़नी लगेगा कि जापान में लोग नहाते समय भी फ़ोन को यूज़ करते हैं। द मोबाइल फ़ोन इंटरनेट हैज़ मेड देम द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इन लास्ट 20 ईयर्स दे हैव रिप्लेस द कैमरा, रेडियो, कैलकुलेटर, टॉर्च एक्सेट्रा। इंटरनेट ने मोबाइल फ़ोन को सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट का सोर्स बना दिया है। लास्ट 20 ईयर्स में इसने कैमरा, रेडियो, कैलकुलेटर और टॉर्च को रिप्लेस कर दिया है। कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स हैव मेड कम्युनिकेशन फास्टर देन एवर। इफ़ यू कांट मेक अ कॉल, द ऑप्शन ऑफ मैसेजिंग इज ऑलवेज अवेलेबल। इफ़ यू आर ड्राइविंग एंड कैन नॉट टेक अ कॉल, योर फोन कैन टेल यू व्हाट मैसेज यू शुड सेंड। नो टाइम टू टाइप अ मैसेज, जस्ट रिकॉर्ड योर वॉइस एंड सेंड। इफ़ यू टाइप एन इनकरेक्ट स्पेलिंग, योर फोन कैन करेक्ट इट। इट्स डाउन साइड इज दैट पीपल स्पेंड मोर टाइम विद देयर फोन्स देन विद पीपल। उन्होंने कम्युनिकेशन को फास्ट कर दिया है, मीन्स मोबाइल फ़ोन के थ्रू इन्फॉर्मेशन फास्टली शेयर होने लग गई है। अगर आप किसी से बात नहीं कर सकते तो मैसेज का ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं और फ़ोन नहीं उठा सकते तो आपका फ़ोन आपको बताता है कि आपको कौन सा मैसेज करना चाहिए। अगर आपके पास मैसेज टाइप करने का टाइम नहीं है तो आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अगर आप गलत स्पेलिंग टाइप करते हैं आपका फ़ोन उसे करेक्ट कर सकता है। एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि लोग ज़्यादातर इसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, मीन्स वो लोगों से ज़्यादा मिलते नहीं हैं। गॉन आर द डेज व्हेन स्टूडेंट्स यूज टू फाइंड इन्फॉर्मेशन इन बुक्स। विद सो मैनी लर्निंग एप्स, स्टूडेंट्स कैन नाउ लर्न एनीथिंग थ्रू देयर मोबाइल फोन्स। दे डू नॉट हैव टू रिलाई ऑन ट्यूशन और अ टीचर। देयर आर लर्निंग एप्स अवेलेबल फॉर एवरी सब्जेक्ट। यू वॉन्ट टू नो अबाउट वन थिंग, द इंटरनेट गिव्स यू थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट फॉर इट। Sometimes it becomes difficult to decide which information is relevant for you. वो दिन अब नहीं रहे जब स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन पाने के लिए केवल बुक्स को यूज़ करते थे, मीन्स बुक्स पढ़ते थे। अब स्टूडेंट्स लर्निंग एप्स को यूज़ करके कुछ भी लर्न कर सकते हैं। अब वे ट्यूशन या फिर टीचर पर डिपेंडेंट नहीं है। गाइस, हर सब्जेक्ट के लिए अपने लर्निंग ऐप अवेलेबल है। आप एक चीज़ जानना चाहते हैं और इंटरनेट आपको उसके थाउजेंड रिजल्ट दे देता है। कई बार ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलिवेंट है। ऑफ इन्फॉर्मेशन, अ लॉट ऑफ पीपल डू बिजनेस थ्रू मोबाइल फोन्स नाउ, हेंस दे सेव सम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन देयर फोन्स। इफ़ देयर मोबाइल फोन्स आर स्टॉलन देन दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी मिसयूज्ड। मोबाइल फोन्स अलाउ अस क्लिकिंग एंड शेयरिंग पिक्चर विद इन सेकेंड्स। वी शेयर दीज पिक्चर्स विदाउट केयरिंग दैट दे कैन बी मिसयूज्ड। सम बैड पीपल यूज मोबाइल फोन्स टू शेयर फॉल्स मैसेजेस। Their motive is to make people fight with each other. बहुत सारे लोग मोबाइल फ़ोन्स पर बिजनेस करते हैं, जिस वजह से वो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने फ़ोन में सेव करते हैं। आपका फ़ोन चोरी हो जाए तो इस इन्फॉर्मेशन का मिसयूज़ हो सकता है। मोबाइल फ़ोन्स की हेल्प से हम कुछ ही सेकंड्स में पिक्चर्स क्लिक एंड शेयर कर देते हैं। हम इन पिक्चर्स को बिना परवाह किए शेयर कर देते हैं, जो कि मिसयूज़ हो सकती हैं।
ये लोग मोबाइल फ़ोन का यूज़ फेक मैसेजेस शेयर करने के लिए करते हैं। इनका मोटिव लोगों को एक दूसरे से लड़वाना होता है। इट इज़ ट्रू डैट मोबाइल फोन्स हैव मेड अवर लाइफ ईजियर बट दे कम विद देयर ओन रिस्क सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट डैट वी लर्न टू यूज़ दैम वाइजली एंड सेफली। सच है कि मोबाइल फ़ोन्स ने हमारी ज़िंदगी को आसान बना दिया है पर उनके साथ अनेक रिस्क फैक्टर एसोसिएट होते हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम इन्हें वाइजली एंड सेफली यूज़ करना सीखें। Hope you enjoyed our today's lecture. Thank you.